मतलब ये साल जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं वो 74th है, मतलब 74th इंडिपेंडेंस डे आज है। बराबर, आज ही के दिन बेटा भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उस नेशनल एंथम को हम क्या करेंगे, मतलब नेशनल एंथम हम कहेंगे। ओके, तो बेटा सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो वेब कैमरा है वो ऑन करो। सभी स्टूडेंट्स बेटा वेब कैमरा ऑन करो पहले। सुमित, यस अमित, बेटा वेब कैमरा ऑन करो। आर्या, यस पूर्विका, रिया, पूर्वी का बेटा वेब कैमरा ऑन करो बेटा। श्रेयसी, उज्जैनी, तनिषा, स्वरित, बेटा वेब कैमरा ऑन करो बेटा। सबका बेटा वेब कैमरा ऑन चाहिए सर को। यस, हैप्पी वेरी गुड बेटा। इंडिपेंडेंस सर्वज्ञा, डे। वेब कैमरा ऑन सर्वज्ञा, करना है सिर्फ। यस। तनिषा, तनिषा बेटा वेब कैमरा ऑन करो। तनिषा, यस। आयुष, यस बेटा, लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स ने वेब कैमरा ऑन किया है। ओके, तो बेटा मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले बेटा आपको एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है बेटा, नेशनल एंथम के लिए खड़ा होना है बेटा सबको। हाँ निशांत, निशांत, हाँ वेरी गुड बेटा। इधर कौन है, ताली लगाया। स्वर, हाँ सबका वेब कैमरा ऑन है। श्रेया, आप स्टैंड अप हो बेटा। यस यस यस, सभी स्टैंड अप है क्या, सर चेक कर रहे हैं। त्वरित, खड़े होने बेटा। फास्ट बेटा फास्ट। युहान, युहान हो जा बेटा, प्लीज स्टैंड अप। यस यस यस, गणेश चौहान बेटा एकदम स्टैंड, बेटा एकदम अच्छे से खड़े रहने का आपको। ओके, लगभग बेटा सभी स्टूडेंट स्टार्ट। पढ़ाइए आज का जो हमारा लेक्चर है वो आज का लेक्चर हम अभी स्टार्ट। देखो बेटा, अभी आज हम क्या करेंगे बेटा, जो आज का हमारा जो पढ़ाई है वो पढ़ाई बेटा आज हम चालू करेंगे। ओके, देखो लास्ट लेक्चर मतलब थर्ड लेक्चर में हमने बेटा अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो बेटा ये अब्दुल कलाम का तो बेटा जो लेसन था वो हमने कंप्लीट किया। आज हम क्या करेंगे बेटा, जो अपना बेटा दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले चित्र को ए नाम दिया है सर ने सर। और दूसरे चित्र को नाम दिया है बी। ऐसे दो चित्र है, ए और बी, ए और बी चित्र को, ए और बी चित्र है बराबर। इसमें से बेटा आपको कौन सा चित्र अच्छा लग रहा है,
ए वाला चित्र अच्छा लग रहा है सर, कि बी वाला चित्र अच्छा लग रहा है? आपको बेटा चैट बॉक्स में आंसर देना है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना है, ए या बी ये चित्र अच्छा लग रहा है। यस, लगभग सभी बच्चों को बेटा जो बी चित्र है, लगभग सभी बच्चों को ये बी वाला चित्र है ना बेटा, ये बी वाला चित्र अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, राइट? क्यों बेटा? क्योंकि इधर सब साफ सफाई है, बराबर। बी चित्र में सब साफ सफाई है बेटा, ए चित्र में सब क्या है बेटा, सब कचरा इधर उधर है, देखो बराबर, सब कचरा इधर उधर है, सब देखो बेटा इधर हाउस फ्लाई मॉस्किटोज इधर उधर भाग रहे, राइट ना, ये बहुत गंदा है बेटा, डर्टी है। और ये जो बी वाला चित्र है बेटा, ये बहुत साफ सुथरा है, इसलिए सभी को बी चित्र पसंद आया, राइट? यस। हाँ, तो ये जो स्वच्छता है ना बेटा, इधर बहुत साफ सुथरा है, बराबर। तो देखो बच्चों, हमारे भारत में भी स्वच्छ भारत अभियान बेटा, महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। देखो बेटा, कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान था बेटा। अभियान मतलब बेटा कैंपेन, अभियान मतलब कैंपेन, मतलब बहुत लोग बेटा एक साथ मिलकर वो काम करते हैं, कोई एक आदमी काम नहीं करता, बहुत लोग बेटा एक साथ काम करते हैं, उसे कहते हैं बेटा कैंपेन, और उसे हिंदी में कहते हैं बेटा अभियान। हाँ, तो ऐसा ही बेटा एक स्वच्छ भारत अभियान ये 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया था। और ये किसने आरंभ किया था बेटा? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने बेटा ये अभियान शुरू किया था। इस अभियान के अंतर्गत बेटा, इसके बारे में छोटा सा बताता हूँ आपको मैं नॉलेज। Sir, voice is not coming. Sir, voice is not speaking. Voice is not coming. Sir, voice is not sir, coming. Sir, your voice is not coming. Sir, unmute yourself, sir. Wait. Sir, voice is not coming. Okay, beta, I understood. Wait. Chetan, sir, please unmute yourself. Chetan, sir. Sir, why is not coming? Okay, well, students, sir, अभी बता रहे थे कि स्वच्छ भारत अभियान कब से स्टार्ट हुआ था, राइट ना? 2 अक्टूबर यस, 2014 यस, वेरी गुड 2014 ओके, तो किसने ये अभियान शुरू किया था अपने देश में? नरेंद्र मोदी। कौन है ये प्राइम मिनिस्टर? ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी सभी को देख रही हूँ। नो वन यूजिंग द चैट बॉक्स, जस्ट डायरेक्टली आप लोग अनम्यूट हो जाते हो और उसका जवाब देने लगते हो, और जो कि ये ऑनलाइन सेशन में इसे अलाउ नहीं किया गया है, राइट ना? मतलब आप लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, दिस इज अ बैड। यू ऑल आर नो द आंसर, तो आपको कैसे आंसर अपने पहुंचाने हैं? चैट बॉक्स के थ्रू पहुंचाने हैं, यस या नो? तो आपको चैट बॉक्स यूज करना है, ठीक है? जब सर ने आपको वेब कैमरा बोला था ऑन करने के लिए, तभी आपको करना था, उसके बाद अभी आपको क्या करना है? वेब कैमरा बंद करना है, राइट ना? तो वेब कैमरा क्यों नहीं बंद किया अभी तक? तो ये सब आपके इनडिसिप्लिन के चीज सामने आते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, सभी लोगों को म्यूट होना है, जब टीचर या सर कहेगी आपको तब म्यूट होना है, ठीक है?
अंडरस्टूड एवरीवन, चैट बॉक्स में आंसर देना है तुरंत, ये नहीं मेरा जवाब पहले पहुंचना चाहिए, चैट बॉक्स में टीचर पढ़ रही है किसका जवाब आ रहा है किसका जवाब नहीं आ रहा है, ओके okay? आप लोग भूल जाते हो ना, इसलिए नो नीड टू से सॉरी बेटा, आप लोग राइट। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है बेटा, ये 2 अक्टूबर जैसे सर ने बताया बेटा, 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत अभियान बेटा चालू किया था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने ये कैंपेन चालू किया था, राइट। तो आप चित्र पे देख रहे हो बेटा कि ये जो चित्र है, इस चित्र में क्या हो रहा है बेटा, देखो ये चित्र में क्या हो रहा है, जो भारत के जो रहवासी है, मतलब जो भारत में जो रह रहे हैं, वो क्या कर रहे बेटा, भारत देश को स्वच्छ कर रहे हैं, राइट। भारत देश को क्या कर रहे बेटा, स्वच्छ कर रहे हैं, ओके। पूनम टीचर आवाज आ रही है अभी? हाँ सर आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है आवाज, ओके। तो देखो बेटा ये जो भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, राइट। इस भारत देश को बेटा ये लोग क्या कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, राइट ना। हाँ तो देखो बेटा ये आपको कुछ एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो देश की साफ सफाई है, देश की जो साफ सफाई है, ये किसी एक आदमी या सिर्फ जो सफाई कर्मचारी है उन्हीं की जिम्मेदारी है क्या बेटा? नहीं, ये किसी एक आदमी की या सिर्फ सफाई कर्मचारियों की, मतलब जो सफाई के काम करते हैं ना बेटा, उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है। तो हर एक नागरिक की बेटा ये जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक को क्या करना है बेटा, हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा जो भी रहेगा बेटा, आजू बाजू का जो भी एनवायरमेंट है, परिसर है, उसको क्या करना है बेटा, साफ रखना है, राइट। उसे क्या करना है, साफ रखना है। अब ये देखो बेटा, सर ने जो हाईलाइट किया ना बेटा रेड और ब्लू से, वो देखो क्या है, स्वच्छता कोई काम नहीं है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये एक अच्छी आदत है। देखो बेटा जो स्वच्छता है, स्वच्छता करना ये कोई काम नहीं है बेटा, ये क्या है, एक अच्छी आदत है। जैसे हमें अच्छी आदत ही रहती है, देखो रोज हम नहाते हैं, वीक में एक बार नाखून काटते हैं, महीने में एक बार बेटा बाल काटते हैं, अच्छे कपड़े प्रेस कर किए हुए कपड़े हम पहनते हैं, बराबर ना। वैसे बेटा ये भी एक अच्छी आदत है, हमेशा स्वच्छता रखना ये एक अच्छी आदत है बेटा, ये कोई काम नहीं है, ओके। तो ये जो स्वच्छता के बारे में सर जो बता रहे थे बेटा, ये क्यों बता रहे थे, क्योंकि आज का जो हमारा लेसन है, आज का हमारा जो पाठ है बेटा, वो स्वच्छता के ऊपर है। वो पाठ किसके ऊपर है, स्वच्छता के ऊपर है। देखो बेटा आप इधर देख रहे हो, पाठ का नाम है स्वच्छ भारत, बराबर, पाठ का नाम है बेटा स्वच्छ भारत। इस पाठ में बेटा, अब ये बेटा संभाषण है, ये जो पाठ है ना, ये 2 और 2 से 3 लोगों का बेटा इसमें क्या है, संभाषण दिया है। देखो इसमें कौन कौन से पात्र है, देखो बेटा सुरेश एक छात्र है, छात्र मतलब बेटा एक स्टूडेंट है सुरेश, काका जी एक ग्रामीण व्यक्ति है, मतलब गांव में रहने वाले एक अंकल है बेटा, प्राध्यापक मतलब टीचर और अन्य छात्र मतलब दूसरे स्टूडेंट्स, ऐसे इस पार्ट में बेटा कौन है, पात्र है। अभी हम आज क्या करेंगे बेटा, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। देखो सुरेश, मतलब सुरेश क्या कह रहे हैं, राम राम काका जी, क्या कह रहे हैं, राम राम काका जी। जैसे देखो बेटा हम किसी को फोन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हेलो, राइट ना, किसी से मिलने के बाद हम क्या करते हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, बराबर ना। वैसे ही बेटा सुरेश को रास्ते में कौन मिले, काका जी मिले। देखो बेटा चित्र में आप देख रहे हो, देखो ये सुरेश है बेटा, ये सुरेश है, राइट। उसको रास्ते में कौन मिले बेटा, ये काका जी मिले, ये अंकल मिले, इसीलिए सुरेश ने उन्हें अभिवादन किया और क्या कहा, राम राम काका जी। फिर काका जी ने क्या कहा, देखो राम 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 राम, यह क्या बेटा, आज तुम बस्ते के साथ साथ
फावड़ा और टोकरी भी ले जा रहे हो? क्या तुम पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करने लगे? देखो काका जी क्या कह रहे हैं, सुरेश मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम स्कूल तो जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में बस्ता तो है। बस्ता मतलब बेटा बड़ी सी थैली रहती है, बेटा थैली रहती है, उसमें सब टेक्स्ट बुक नोटबुक जो भी रहता है ना बेटा उसमें डाल के जाते हैं। जैसे हमारा दफ्तर रहता है सेम वैसे ही बस्ता रहता है बेटा। तो अंकल क्या कह रहे हैं, मतलब ये काका जी क्या कह रहे हैं बेटा कि अरे सुरेश तुम स्कूल में तो जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में बस्ता तो है लेकिन साथ साथ में फावड़ा और टोकरी भी है। क्या तुमने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी स्टार्ट कर दी? अभी देखो बेटा उसके हाथ में ना ये देखो ये फावड़ा और ये टोकरी है, ऐसा ये फावड़ा रहता है बेटा, जो मजदूर लोग रहते हैं ना बेटा रास्ते के ऊपर काम करते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर काम करते हैं, उनके हाथ में बेटा ऐसा ये फावड़ा रहता है और ये ऐसी टोकरी रहती है, बराबर। तो तुमने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी चालू कर दी क्या, काम भी करने लगो क्या, आपने काम भी स्टार्ट कर दिया? ऐसे काका जी उस सुरेश को कह रहे हैं। फिर सुरेश ने क्या कहा, देखो बेटा नहीं काका जी, यह फावड़ा और टोकरी तो मैं पाठशाला में सफाई करने के लिए ले जा रहा हूं। देखो सुरेश क्या कह रहा है, नहीं काका जी मैंने कोई मजदूरी का काम चालू नहीं किया है, मैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करता हूँ, लेकिन आज मैं क्या करने वाला हूँ, ये फावड़ा और टोकरी लेके स्कूल में जाऊंगा, पाठशाला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पाठशाला की साफ सफाई करनी है। फिर काका जी क्या कह रहे हैं, देखो बेटा तुमने सफाई का काम कब से शुरू किया, तुम पाठशाला में पढ़ने जाते हो या साफ सफाई करने? देखो बच्चों काका जी क्या कह रहे हैं, बेटा तुमने सफाई का काम कब से शुरू किया, तुम पाठशाला पढ़ने जाते हो या साफ सफाई करने जाते हो, बराबर ना। काका ने ऐसे पूछा, स्कूल में तो आप पढ़ाई करने को जाते हो ना, तो साफ सफाई क्यों कर रहे हो स्कूल में जाके, ऐसा काका जी ने उनसे बताया बेटा, पूछा उनको, सुरेश से पूछा। फिर सुरेश ने क्या जवाब दिया, देखो काका जी मैं तो पढ़ने ही जाता हूँ, लेकिन हमारी पाठशाला में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। देखो सुरेश क्या कह रहा है काका जी को कि मैं पढ़ने के लिए ही जाता हूँ, पढ़ाई करने के लिए ही जाता हूँ, लेकिन आज हमारे पाठशाला में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। मतलब इस अभियान के बारे में बेटा मैंने आपको बताया, यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था, जब महात्मा गांधी का जन्मदिन था, राइट। तो ये कार्यक्रम उनकी पाठशाला में भी बेटा आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम को मतलब इस अभियान को पूरा करने के लिए सुरेश स्कूल में जा रहा है, ऐसा वो काका जी को बता रहा है। आगे काका जी क्या कह रहे हैं, देखो बेटा अच्छा यह स्वच्छ भारत अभियान कोई नया काम है? देखो मतलब काका जी को ना बेटा पता ही नहीं है कि ये क्या है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है होता है, ये काका जी को पता ही नहीं है। काका जी उसे पूछ रहे कि ये क्या नया कोई काम है। फिर सुरेश क्या बताता है, देखो बेटा काका जी स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया है। देखो फिर सुरेश काका जी को इंफॉर्मेशन बताता है बेटा कि स्वच्छ भारत अभियान ये कोई काम नहीं है, ये हमारे जो पंतप्रधान है वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमें हमारे आसपास के जो वातावरण है मतलब जमीन हवा जो भी रहेगी बेटा उसे हमें साफ सुथरा करना है, मतलब हमें स्वच्छता रखनी है हमारे एरिया में, हमारे घर के अंदर, स्कूल में, क्लास में, जिधर भी हम जाते हैं बेटा उधर हमें क्या करना है, स्वच्छता रखनी है, बराबर। ऐसे सुरेश ने काका जी को उस अभियान के बारे में बताया।
फिर काका जी क्या कह रहे हैं देखो अभी, तो क्या लोग पहले अपने घर को साफ नहीं रखते थे? फिर काका जी क्या कह रहे हैं, तो क्या लोग पहले साफ नहीं रखते थे? अभी आप साफ करने निकले सब, पहले साफ नहीं रखते थे क्या? फिर सुरेश क्या कहता है देखो बच्चों, काका जी लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपने घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सार्वजनिक स्थलों को गंदा करने पर हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखो बेटा, काका जी पूछ रहे हैं कि पहले के जमाने में भी लोग तो क्या करते थे, घर साफ रखते थे, किसी का घर तो गंदा नहीं रहता, फिर ये अभियान क्यों चालू किया? फिर सुरेश क्या कह रहा है, ये अभियान इसलिए चालू किया क्योंकि सभी लोग तो घर साफ रखते हैं, लेकिन जो घर का कचरा है, घर के अंदर का जो कचरा है, वो बाहर कैसे भी फेंक देते हैं, बाहर किधर भी इधर उधर अच्छे से प्रॉपरली फेंकते नहीं बेटा, किधर भी फेंक देते हैं। बराबर, जैसे कि देखो बेटा इधर मैंने चित्र में बताया था, देखो ऐसे ही बेटा लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कचरा क्या करते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। ऐसे सुरेश काका जी को बता रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि सार्वजनिक जो स्थल रहते हैं, मतलब घर के बाहर बेटा, सार्वजनिक स्थलों पर सपोज हमने गंदगी की, उसे गंदा किया, तो उसके दुष्परिणाम हमें ही भुगतने पड़ सकते हैं। दुष्परिणाम मतलब बेटा उसके साइड इफेक्ट हमें ही भुगतने पड़ते हैं। कैसे? उसके ऊपर देखो बेटा, उसके ऊपर फिर हाउस फ्लाई बैठती है, बराबर, उसके ऊपर मच्छर बैठते हैं, मॉस्किटोज रहते हैं बेटा, वो उसके ऊपर बैठते हैं, और वही बेटा वापस रिटर्न किसके, हमारे ही घर में आते हैं, और हमें क्या कर देते हैं बेटा, वो बीमार कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो गंदगी रहती है, जो कचरा रहता है, ये ऐसे ही बेटा खुला रहता है, उस वजह से क्या होता है बेटा, पूरे एरिया में बेटा बदबू फैल जाती है। कभी कभी हमने देखा रहेगा कचरा पेटी के बाजू में से हम जाते हैं बेटा, तो बदबू आती है, राइट ना? तो ऐसे ही बेटा बहुत सारा कचरा जमा हो गया, तो हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, जो हवा है बेटा, वो गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, और इसका जो दुष्परिणाम है, मतलब साइड इफेक्ट है बेटा, वो हमें ही भुगतना पड़ता है, राइट? हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे सुरेश काका जी को समझा रहा है। फिर काका जी को अच्छे से समझ में आ गया बेटा अभी। फिर अभी काका जी क्या कह रहे हैं देखो, ठीक कहा तुमने बेटा, ऐसे एक मिनट, ठीक कहा बेटा तुमने बेटा, ऐसे कार्यक्रम गांव में भी होने चाहिए, जिससे हमारा गांव भी साफ सुथरा रह सके, हम भी बीमारियों से बच सके। देखो बेटा, अभी काका जी को स्वच्छता का महत्व समझ में आया, और काका जी क्या कह रहे हैं कि सुरेश तुम ठीक कह रहे हो, आपके स्कूल में, आपके पाठशाला में जो अभियान चालू है, ऐसा ही अभियान हमारे गांव में भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा गांव साफ सुथरा रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मतलब काका जी को बेटा अभी अच्छे से अभियान के बारे में और स्वच्छता के बारे में समझ में आ गया, उसका इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में आया। फिर अभी सुरेश क्या कह रहे हैं देखो बेटा, काका जी हम गांव में भी ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं, पहले हम पाठशाला को साफ कर ले। अच्छा काका जी मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। देखो बच्चों, सुरेश क्या कह रहा है बेटा कि काका जी गांव में भी ऐसा अभियान हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं। प्रारंभ मतलब बेटा चालू करना, स्टार्ट करना, ये वर्ड है, ये देखो ये वर्ड बेटा प्रारंभ, ओके, प्रारंभ मतलब बेटा स्टार्ट। तो सुरेश कह रहा है कि ऐसा ही बेटा, काका जी ऐसा ही अभियान हम गांव में भी प्रारंभ करने वाले, मतलब शुरू करने वाले हैं। पहले हमें क्या करने दो, हमारे जो पाठशाला है, पाठशाला मतलब जो हमारा स्कूल है, वो स्कूल हमें पहले साफ कर लेने दो। अच्छा काका जी मैं चलता हूँ, मतलब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं अभी जा रहा हूँ,
मुझे देरी हो रही है, मैं लेट हो रहा हूँ। फिर काकाजी, अच्छा बेटा, फिर काकाजी ने उन्हें आगे दिया, अच्छा बेटा जाओ जाओ जाओ। देखो अब ये जो सुरेश है ना बेटा, देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी, ये ब्रैकेट वाला पढ़ रहा हूँ बेटा मैं। पाठशाला पहुंचने पर प्राध्यापक जी का भाषण शुरू हो चुका था। सुरेश चुपचाप पीछे की कतार में जाकर बैठ गया। देखो बेटा, सुरेश को थोड़ा लेट हो गया बेटा, क्योंकि बीच में काका जी मिले। वो जब पाठशाला गया ना बेटा, तब प्राध्यापक का मतलब टीचर्स का बेटा जो भाषण है वो भाषण शुरू हो चुका था। सुरेश चुपचाप गया और पीछे की कतार में, मतलब कतार मतलब बेटा लाइन, पीछे के जो लास्ट वाले जो लाइन है ना बेटा, उसमें जाकर बैठ गया। अभी प्राध्यापक मतलब टीचर्स क्या कह रहे थे, देखो बेटा, प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हम आज से स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम इसे एक दिन या एक सप्ताह मनाएं तथा बाद में भूल जाएं, बल्कि हमें हमेशा अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए तथा दूसरों को भी स्वच्छ रहने की सलाह देनी चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं पहले एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, तभी हम दूसरों से इसकी आशा कर सकते हैं। आओ अब उठाओ अपनी अपनी टोकरियां और फावड़े, आज हम अपने पाठशाला साफ करेंगे तथा अगले शनिवार को पूरे गांव की सफाई करेंगे। देखो बेटा, प्राध्यापक क्या कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, आज से हम स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने वाले हैं, बराबर। लेकिन ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, जिसके अंतर्गत हमें साफ सफाई करनी है, वो सिर्फ एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का कार्यक्रम है क्या? नहीं, ये काम हमें निरंतर करना है। मतलब रोज सुबह स्कूल में आने के बाद, पाठशाला आने के बाद साफ सफाई करनी है क्या? नहीं। लेकिन जो भी बेटा छोटा 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 जो कचरा रहता है वो हमें क्या करना है? साफ सुथरा करना। पहले हम क्या करेंगे? हमारी पाठशाला साफ करेंगे और अगले शनिवार को, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को हम क्या करेंगे बेटा? हमारा गांव क्या करेंगे? साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। पहले हम पाठशाला क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने बोलना नहीं चाहिए तुम्हारे पाठशाला ही कितनी खराब है, और निकले गांव साफ करने, बराबर ना। इसलिए शुरुआत हम खुद से करेंगे, हमारे खुद की पाठशाला हम पहले क्या करेंगे? साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, और बाद में हम गांव साफ करेंगे, बराबर। जब हम ये काम खुद करेंगे, बराबर, स्वयं हम करेंगे, तब गांव वालों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत होगा। गांव वालों को ऐसा लगेगा, देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, होशियार हैं, पहले खुद के पाठशाला को साफ किया, अभी गांव साफ करने निकले हैं, बराबर। तो प्राध्यापक कह रहे, चलो बच्चों, फावड़ा और टोकरिया उठाओ। फावड़ा और टोकरिया मतलब सर ने आपको चित्र दिखाया था बेटा, फावड़ा और टोकरिया उठाओ, आज हम अपनी जो पाठशाला है, पाठशाला साफ करेंगे। देखो सभी छात्र एक साथ क्या करने लगे? कहने लगे जी गुरुजी, मतलब कहने लगे यस टीचर, यस सर। प्राध्यापक, तभी होगा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। मतलब प्राध्यापक क्या कह रहे हैं, जब हम स्वच्छता रखेंगे, हमारी पाठशाला, हमारा आजू बाजू वाला परिसर, गांव, जब हम स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा स्वस्थ, मतलब हम कैसे रहेंगे बेटा? स्वस्थ रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, ऐसा था बेटा ये आज का हमारा पाठ। इस पाठ में बेटा जो कठिन शब्द है ये देखो बेटा, बस्ता। बस्ता मतलब मैंने बताया था बेटा आपको, पुस्तक के डालने का थैला, मतलब ऐसी थैली रहती है बेटा कपड़े की, जिसमें पुस्तकें रहती है। अभी देखो बेटा आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो दफ्तर वगैरह है ना बेटा, ये अभी अभी आए, लेकिन पहले के जमाने में, बहुत पुराने जमाने में क्या करते थे बेटा स्टूडेंट्स, प्लास्टिक की, नहीं तो बेटा ये जो कपड़े की थैली रहती है ना, उस थैली में क्या करते थे बेटा, टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके जाते थे स्कूल में, उसे कहते हैं बेटा बस्ता। सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब
सबके लिए उपयुक्त, मतलब पब्लिक। थर्ड बेटा अभियान, अभियान मतलब मैंने बताया था बेटा जिस काम को सभी लोग एक साथ करते हैं उसे कहते हैं बेटा अभियान। देखो इधर क्या दिया है मीनिंग, दल बल के साथ चल पड़ना। दुष्परिणाम मतलब बेटा बुरा नतीजा। स्थल मतलब जगह, प्लेस। स्वच्छ मतलब साफ। ओके तो बेटा ऐसा था ये आज का हमारा पाठ, जिस जिसमें सुरेश ने बेटा काका जी को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी, और प्राध्यापक ने क्या कहा कि पहले हम पाठशाला साफ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, गांव वालों के सामने आदर्श रख के हम गांव साफ करेंगे। ओके तो जैसे कि बेटा मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जो स्वच्छता है ये स्वच्छता कोई काम नहीं है बेटा जो कमाने के लिए किया जाए, ये एक अच्छी आदत है। हाँ अभी आगे देखो बेटा, जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। और ये जो आदत है ना बेटा स्वच्छ रहने की, किस लिए अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए हमें ये अपनानी चाहिए, मतलब हमारी सेहत अच्छी रखने के लिए ये आदत हमें अपनानी चाहिए। स्वच्छता पुण्य का काम है जिसे जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हर व्यक्ति को इसका अनुकरण करना चाहिए। मतलब किसी बेटा एक दो तीन लोगों का ये काम नहीं है, सभी लोगों को मिलकर क्या करना है बेटा इसे पूरा करना है। हमें कौन सी चीजों की साफ सफाई करनी है, देखो हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू जानवर की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और कार्यालय की स्वच्छता आदि करनी है। मतलब ये सभी जगहों की हमें क्या करनी है, स्वच्छता करनी है, ये सभी जगहों को हमें साफ सुथरा रखना है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। जो ट्रीज रहते हैं ना बेटा कभी उसको काटना नहीं चाहिए, उल्टा हमें और ज्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। बराबर तो देखो बच्चों ये था हमारा आज का ये पाठ। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, सर क्या करने वाले अभी आपको, इस पाठ के ऊपर जो भी प्रश्न उत्तर है